अब ऐसे ही पीर पकाई ले। आज पति को लेवे गुआई बादना की याद करो, जा दिन हमने पिया की पीठ न पाई डारी। हाथ जोड़े राजा बलि ने क्षमा याचना मांगी, महाराज जब जब मैं आपको याद करूं आप हमें तब तब दर्शन देते रहना। ठीक है, मैया लेकर के मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को आई हैं। आइए दो बार परमात्मा का नाम, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है राजा हरिश्चंद्र की। जाएगा और ये सखी
सतगुरुदेव भगवान की। भैया के इलेक्शन पर ठाड़े होगा दोनों हाथ ऊपर उठे के उली कन्हैया लाल की। थोड़ी होता गल लगाओ बोले सतगुरुदेव भगवान की। अब करने कही तो उसी रोड के पारे में पहुंची जा रही ने कौन बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। अरे बरघरिया महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। परीक्षित को कथा श्रवण कराई है कि हमें ये बताइए महाराज राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में ही पानी क्यों भरा। एक बड़े अच्छे राजा हुए हैं अयोध्या नगरी में जिन महाराज का नाम है सत्यव्रत। क्या नाम है ध्यान दे रहे हो। अयोध्या नगरी के राजा है उनका नाम है सत्यव्रत। एक दिन सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक गाय किसान के खेत में उसका अनाज खा रही है और किसान सो रहा है। तो जाए के राजा सत्यव्रत ने किसान को उठाई दियो और जवाब दो है कि तू तो सो रहा है लेकिन तेरे अनाज को गाय खा रही है। राजा त्रिशंकु की बात सुन करके इन सत्यव्रत का दूसरा नाम है त्रिशंकु तो किसान गुस्से में उठा और किसान गुस्से में उठ करके गाय के पास पहुंचा।